स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है एक नई लेक्चर के साथ। और आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स डाल रहे हैं उनका भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक ठोस अवस्था चैप्टर में एकल कोष्ठिका और उसके प्रकार, एकल कोष्ठिका यानी यूनिट सेल हम आपको करा चुके हैं पहले ही। तो इसके बाद इसके टाइप्स देखिए, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यूनिट सेल तो आप जानते हो। तो पहला जो प्रकार है इसका वो है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। इसका मतलब क्या हुआ? आद्य, आद्य एकक या सरल आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। समझ में आ गया? तो ये है, ये क्या होती है? देखिए, कोई भी यूनिट सेल है वो अणु परमाणु या आयनों से, एटम आयन और मॉलिक्यूल से बनती है। तो इसको हम बनाएंगे 3D में, 3D, देखिए 3D में बोर्ड पे बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगी। ये देखिए यहाँ, तो ये आपका, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक। अब देखिए ये कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर हैं इसके कुल मिला के। तो हर एक कॉर्नर पे इस पर हो, इस पर एटम हो, इस पर एटम हो, इस पर एटम हो, इस पर एटम हो, इस पर, इस पर। तो केवल कोनों पे ही एटम आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, अणु परमाणु या आयन होते हैं, केवल कोनों पे ही, ठीक। तो वो प्राइमिटिव, यानी प्राइमिटिव को कहते हैं बहुत ही सिंपल साधारण प्रकार की, ठीक। उसमें केवल कोनों पे ही उपस्थित रहेंगे, और कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। ये स्फेरिकल जो बनाए हैं हमने, ये क्या होते हैं? अणु परमाणु या आयन की आकृति होती है, गोल होती है। तो ये एक दूसरे से सटे भी होते हैं इस प्रकार, ठीक। तो ये क्या हो गया? प्राइमिटिव या सिंपल आद्य प्रकार, क्लियर। केवल कोनों पर, नहीं फेस में होगा, ये फलक है, फलक के बीच में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है, दूसरा जो प्रकार है बच्चों, वो है आपका दूसरा प्रकार। देखिए दूसरा प्रकार है इसमें का, देखिए केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सेंटर में जो केंद्र होता है यूनिट सेल का, एकक कोष्ठिका, उसमें केंद्र में जरूर अणु परमाणु पाया जाएगा, ठीक। तो देखिए जैसे इसको हमने सिंपल टाइप से बनाया, दिखाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए ये यूनिट सेल, ये वाली यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल में ये कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, हर एक कॉर्नर पे होंगे, 8 कॉर्नर पे, इसके बीच में भी कोई ना कोई होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई परमाणु, तो ये बीच में आ गया, ये बीच में उपस्थित, तो सेंटर, ये सेंटर है इसके, ये पूरा बॉडी कहा जाता है, पूरे बॉडी, ठीक, यानी अंतर केंद्र, अंतर केंद्र इसके बीच में हो सकता है, या यहाँ पे भी कोई हो सकता है मिडल में, इसके फलक के सेंटर में भी हो सकता है। तो ये फलक के सेंटर में है, देखो ये हर एक फलक के सेंटर में भी हो सकता है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ जैसे देखिए ये फलक के सेंटर में है, तो यहाँ भी एटम होगा, यहाँ एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा, तो ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे होते हैं। तो फलक के, इसे फलक केंद्र बोलेंगे। तो केंद्रित में वो आते हैं जहां कि केंद्र में उपस्थित होता है कण जो है, जिससे वो बना है, तो यूनिट सेल बनी है, वो केंद्र में भी उपस्थित हो,
कोनों के अलावा, कोने पे तो होंगे ही होंगे। तो इसमें इसमें तीन प्रकार से हैं। इसको इसका जो प्रकार है, एक देखिए ये है पहला अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड। तो इसको समझिए, ये मैंने छोटा सा पार्ट बना दिया इसका, यहां पर देखो इसको, ये इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो कोनों पे तो होंगे ही होंगे, ये कॉर्नर हैं आठ, इसके अलावा बीच में भी होगा, ये देखिए यहां पर मिडल में बॉडी के बीच में। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए आप कि यहां से बीच में, बॉडी के बीच में, तो ये क्या हो गया आपका अंतः केंद्र, समझ में आ गया। इसी इसके बाद है, नेक्स्ट है अंतः केंद्र के बाद अगला है, देखिए अगला जो प्रकार है वो मैं इसको रब कर ही देता हूं। अंतः केंद्रित के बाद दूसरा है इसमें फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए फलक केंद्रित में क्या होगा कि हर एक फलक के बीच में, तो फलक हैं कितनी है, छह हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे आप देख सकते हैं इसको कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार पांच और ये छह, ठीक, कुल छह फलक हैं। तो हर एक के सेंटर में यहां पर रखिए, देखिए इसके सेंटर में एक दो तीन चार, तो ये हो गए, और एक ये है, ये तो इसको यहीं पे दिखा सकते हैं आप, यहीं पे दिखा सकते हैं, एक ये वाली है, एक ये हो गया। तो कुल मिला के हर एक के फेस के क्या होगा, सेंटर में होगा, तो ये क्या हो गया, फलक केंद्रित हो गया, ठीक, केंद्र में होगा इसकी। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है वो है अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड, पहले वाले को क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड, समझ में आ गया बच्चों। तो फेस सेंटर्ड इसमें देखिए अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित के लिए फिर दोबारा से आपको बना के दिखा रहे हैं। अंत्य केंद्रित में देखिए ये छोटा सा पार्ट बनाया हमने इस टाइप से यूनिट सेल का, बहुत आसान है, आप बना सकते हो इसको। तो किन्हीं भी दो अपोजिट कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कोनों पे तो होंगे ही होंगे ये हर एक में, और एडवांस होता जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे रूम तो रहेगा ही रहेगा, साधारण रूम, अब उसमें आप बाकी सजावट करते हैं, ठीक है, कोई सीलिंग लगवाता है या कुछ, और दीवारों में कुछ अलग टाइप की डिजाइन निकाली जाती है सेंटर में, ठीक, तो वो क्या है कि वो फिर केंद्रित में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए किन्हीं दो अपोजिट फेस, एक ये फेस है एक ये फेस है, ठीक है, तो देखिए जैसे दो फेस है, एक ये फेस है एक ये फेस है, तो किन्हीं दो अपोजिट, इस पे हो सकता है सेंटर में और इस पे हो सकता है, तो किन्हीं दो पे हो सकता है, या फिर इन दोनों पे ना होके ये है इसके सेंटर में या इसके सेंटर में, समझ में आ गया, या इसके सेंटर में या इसके सेंटर में, ठीक। तो क्या होगा, किन्हीं दो फेस, एक फेस ये है, एक फलक ये है और दूसरा फलक ये है, तो दोनों में या तो इन दोनों फलकों पे होगा, एक दूसरे के क्या है ये विपरीत, एक दूसरे के क्या है विपरीत, या फिर इस पे ना होके क्या होगा, ये इस पे हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, तो ये क्या हो गया अंत केंद्रित। तो बच्चों ये इसके प्रकार थे यूनिट सेल के, एकल कोष्ठिका के, ठीक है। और अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।
इसको आप रिवाइज करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना।